हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑनलाइन क्लास ऑफ सत्यपति पब्लिक स्कूल इन मोहम्मदाबाद। टुडे वी कैन टॉक अबाउट सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स। टॉपिक इज़ द सेंट्रल बैंक एंड अ कॉमर्शियल बैंक डिफरेंस। द सेंट्रल बैंक एंड अ कॉमर्शियल बैंक। The central bank is the apex bank, the bank of all banks in the country. All commercial banks function under the control to the central bank. जैसे कि बता दें आपको, central bank जो है वो एक पूरी country का एक centralized bank होता है, जो सारी commercial banks के banking उसके under में आती हैं। जैसे अ कॉमर्शियल बैंक इज़ द फंक्शनल इंस्टीट्यूट विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर द जनरल पब्लिक एंड ऑफर लोन टू द पब्लिक और पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इन्वेस्टमेंट। एंड इधर जैसे हम आपकी बात करते हैं, जो कॉमर्शियल बैंक होता है वो जनरल पब्लिक के लिए ओपन होता है और वहाँ पर लोन का पर्पस के बाद में कंजक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है। लेकिन जो सेंट्रल बैंक होता है वो मतलब जनरल पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता है, ना ही किसी एडवांस या लोन्स के लिए। उसमें किसी भी जनरल पब्लिक के लिए बारे में बात नहीं करते हैं। द सेंट्रल बैंक रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी बिसाइड बीइंग द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जो सेंट्रल बैंक होता है वो रेगुलर सप्लाई करता है मनी में, या प्रिंसिपल अपनी सप्लाई जो है इकोनॉमी को देख कर ही काम करता है। एंड अ कमर्शियल बैंक ओनली कंट्रीब्यूट टू द सप्लाई ऑफ मनी बाई वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। और जो कॉमर्शियल बैंक होता है वो हमेशा अपना कंट्रीब्यूट करता है सप्लाई ऑफ मनी द क्रेडिट क्रिएशन में। नेक्स्ट है, द सेंट्रल बैंक इज ए कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द कंट्री। इट कंडक्ट मैनेज फ्लोटिंग टू रेगुलेट एक्सचेंज रेट ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री करेंसी। तो जो सेंट्रल बैंक कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स में करता है, उसकी जो कंडीशन होती है वो मैनेज फ्लोटिंग में करता है। और जो कमर्शियल बैंक है, द कमर्शियल बैंक इज नॉट अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द कंट्री। हाउएवर इट डील विद द सेल्स एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर पर्पस ऑफ प्रॉफिट। और जो कमर्शियल बैंक होता है वो जैसे कि कोई भी सेल्स है या परचेज है, वो फॉरेन एक्सचेंज के पर्पस से ही प्रॉफिट कमाता है। द सेंट्रल बैंक इज नॉट इशूइंग अथॉरिटी, इट इज करेंसी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। अब जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे कि अभी हम आपको कमर्शियल बैंक के बारे में बताएं, अ कमर्शियल बैंक इज नॉट अ नोट इशूइंग अथॉरिटी, इट इज नॉट अ करेंसी अथॉरिटी। सेंट्रल बैंक को कोई भी नोट इशू करने की अथॉरिटी होती है और करेंसी अथॉरिटी की भी कंट्री में होती है, और कमर्शियल बैंक को नोट इशू करने की अथॉरिटी नहीं होती है। द सेंट्रल बैंक फोकस ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक जो है वो फोकस करता है ग्रोथ और स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी की, लेकिन अ कमर्शियल बैंक फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमम। और जो हमारा कमर्शियल बैंक होता है वो फोकस पूरा करता है हमारी प्रॉफिट पे। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे एक बार कॉल कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।